ओके सर, तो ये हमने स्टार्ट किया था विद कैट 22। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। ये भी कैट 22 का अगला क्वेश्चन, सेम आई गेस कैट 22 ही था ये भी, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन दैट इज ऑफ कैट 22, ये हमारा हो गया था लास्ट टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 5th भी डन था, ये क्वेश्चन भी हो गया था, ये भी हुआ था, ये भी हो गया था, आई गेस ये क्वेश्चन भी कर लिया था हमने। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये क्वेश्चन है आपका, दैट इज PYQs का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 11 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और ये है आपका कैट 19 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई करना, आपको ऑप्शन में दे देता हूँ, ऑप्शन से आपके दैट इज 20, 20, 18, 21 या फिर 19, आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होगा आप बताना। सो द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन टू सीक्वेंस 15, 19, 23, 27 डॉट 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 415, और एक एपी और है आपके पास 14, 19, 24, 29 से लेकर के 464 तक। आपको बताना है इसमें कॉमन टर्म्स कितनी है, ठीक है। सनी, ठीक है, कार्तिक है, गुड इवनिंग एंड हाय, क्या नाम है, एनजे नेम। ओके, सिर्फ दो बच्चों के आंसर भाई, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार एपी का, मतलब ये हो जाना चाहिए था। मैक्सिमम बच्चे, ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट एक गलत ऑप्शन की तरफ ही मूव कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं। देखो बात को समझना, इसको मैं हटा देता हूँ, पॉइंट सुनना। सबसे पहले अगर मैं इनके कॉमन एपी बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इनकी इन दोनों एपी से के थ्रू एक कॉमन एपी बनाता हूँ, तो उस कॉमन एपी का जो सबसे पहली टर्म होगी, इसमें भी 19 है, इसमें भी 19 है, तो सबसे पहली टर्म 19 होगी, और जो इस कॉमन एपी में डिफरेंस चलेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉमन एपी का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली एलसीएम होगा, किसका, पहली एपी का डिफरेंस, क्योंकि पहली एपी में जो पहली एपी में जो डिफरेंस है वो 4 का चल रहा है, और अगली एपी में जो डिफरेंस है वो 5 का चल रहा है। तो कॉमन एपी का जो डिफरेंस होगा वो 4 और 5 का एलसीएम होगा, यानी कि 20 होगा, राइट। तो पहला टर्म है आपका 19, अगली टर्म होगी 39, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, 59 होगी। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, तो ये जो मैं टर्म्स लिख रहा हूँ, ये जो कॉमन एपी के टर्म्स है, वो बेसिकली मैं 20 के मल्टीपल में 1 माइनस कर रहा हूँ। अगर आप सही तरह ऑब्जर्व करो, तो 21 20, अगर आप देखो तो ये मैंने 20 -1 कर रखा है, यहाँ पर 40 -1 है, यहाँ पर 60 -1 है, राइट। अब जो कॉमन एपी है वो 415 से ऊपर तो जाएगी नहीं, 415, क्योंकि जो पहली एपी है वो 415 पे खत्म हो रही है, तो कॉमन एपी 415 से ऊपर नहीं जा सकती, राइट। और 415 के नियर अगर मैं 20 का मल्टीपल देखूं, तो एक आपके पास 400 है, एक आपके पास 420 है। अगर आप -1 करोगे, क्योंकि जो एपी के टर्म्स है वो 20 के मल्टीपल से -1 हो रही है, तो एक है 399 आपके पास ऑप्शन में, और एक है 419, तो आप प्रेफर करोगे ऑब्वियसली 399 को, क्योंकि 419 आ नहीं सकता, क्योंकि एपी 415 पे एंड हो रही है। तो 399 नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस एंड प्लस 1। तो
तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 380 का, 380 को 20 से डिवाइड करोगे 19 आएगा और 120, तो बेसिकली 20 टर्म्स है इसमें। डन है, बात क्लियर है सभी को? तो एक कॉमन एपी वाला क्वेश्चन यार, ठीक है एग्जाम में आ चुका है एटलीस्ट 2 से 3 बार, तो आप देख लेना, ठीक है ना, आप लोग के जो मैनेजमेंट एंट्रेंस होते हैं उसमें दिख चुका है कई बार। चलो नेक्स्ट पे आ जाए, ठीक है, इजी। रोहन वगैरह जो भी बच्चे हैं, सुप्रिया, सबको समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, दोनों की पहली कॉमन टर्म पकड़ो, पहले का डिफरेंस, पहली वाली एपी में 4 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, वो 4-4 के गैप पे आगे बढ़ रही है, ये 5-5 के गैप पे, तो दोनों का जो कॉमन गैप क्रिएट होगा दैट इज ऑफ 20, ठीक है, अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, और ये है आपका कैट 19 का ही क्वेश्चन है ये भी, तो इसको एक बार ट्राई करना, टीटा फॉर्म में। तो मैं ऐसे एक 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट का टाइमर आपके लिए, बस एक बार आप ट्राई कर लो, क्योंकि क्वेश्चन टीटा फॉर्म में, मतलब आपको टाइप करके आ रहा है। तो यहां पर देखना, 2n+1, 2n+3, 2n+5, .. 2n+47 इक्वल टू 5280, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1+3 प्लस .. 10। तो बेसिकली आपको n निकालना है, और एक बार चैट में लिख के बताना, टाइप करना कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, सनी आपका कहना 47 × 21। और कोई जो आंसर बताना चाहता हूँ, वैसे टाइम तो खत्म हो गया, बट स्टिल अगर कोई आंसर बताने की कोशिश, नहीं, चलो देखते हैं। कार्तिक आपका कहना 4851, सही है कार्तिक, बढ़िया। यहां पे देखो 2n+1, फिर उसके बाद आप इतना बता दो मुझे कि यहां पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिख रही है, आप मुझे टर्म्स बता दो। चलो ये 2, 3 और लास्ट में ये कितने टर्म्स हैं यहाँ पे आपके हिसाब से? 47 टर्म नहीं है सनी, पहली टर्म में 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 47 लिखा है, तो बेसिकली 1 से लेकर के 47 तक में कितने ऑड नंबर हुए? 23। यहाँ पे भी गलत चले गए कई बच्चे, 23 नहीं होगा। अगर आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको निकालनी है, तो एपी है ना, चलो आप डायरेक्ट आइडिया नहीं लगा पा रहे हो, वैसे क्या होता है 1 से 50 तक में 25 ऑड नंबर होते हैं, पर 49 है नहीं तो 24 है, बट स्टिल चलो ठीक है, अगर आप रफ आइडिया नहीं लगाना चाहते तो 1, 3, 5 फिर 47, मतलब एपी चल रही है। लास्ट टर्म क्या है? 47 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 1 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस यानी कि 2 और प्लस में 1, तो कितनी है? 24 टर्म्स है। आप ये ध्यान रखें, जैसे an is equal to क्या होता है? a plus n minus 1 d होता है ना, तो यहाँ पर a को अगर आप माइनस करोगे, an minus a, d आ जाएगा डिवाइड में, n minus 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाली जाती है? लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, तो इससे क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 24 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो इट मीन्स ये जो 2n आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा होगा? 24 टाइम्स। तो सर 24 टाइम्स तो आपका 2n आ रहा है, ठीक, प्लस अब सर अगर मैं 1, 3, 5, 7 को ऐड करूं अप टू 47, तो कितने ऑड नंबर है सर?
टोटल 24 ऑड नंबर है। तो आपको पता है ना कि अगर आपको 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर को ऐड करना है, लेकिन कितना, अप टू एन टाइम्स, मतलब एन ऑड नंबर होने चाहिए, तो आंसर कितना होता है, दैट इज एन का स्क्वायर होता है। अब यहां पर 1, 3, 5, 7 से 47 कितने ऑड नंबर है सर, टोटल 24 ऑड नंबर है, तो इनका सम कितना होगा, 24 का स्क्वायर होगा एंड दैट इज इक्वल टू 5280। 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, राइट, कितना होता है 576। तो जब आप इसमें माइनस करोगे 576, तो 80 में से 76 गया, 4 आ गया और यहां पर आ गया 47, 4704 एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 48n हो गया। फिर जब आप 48 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 48 कहीं ना कहीं इसे कैंसिल आउट करेगा, 98 पे कैंसिल आउट कर देगा, राइट ना, क्योंकि 48 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4800 आएगा, पर क्योंकि ये 96 कम है 4800 से, तो दो यूनिट कम कर दो, 48 2 96 होता है, 98 हो गया। अब आपको 1 से n तक ऐड करना है और जो n की वैल्यू आपने निकाली है दैट इज 98 आपने निकाल रखी है, तो 1 से लेकर के 98 तक का सम कितना होगा, दैट इज n। ये भी अगेन देख लेना, अगर आप 1, 2, 3 मतलब नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हो अप टू n टाइम्स, तो क्या होता है, n n plus 1 by 2 होता है, राइट। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 98 plus 1 यानी कि 99 divided by 2, 2 इसको cancel out करेगा, कितना आ जाएगा आपका, 49 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गई है, 2 इसे cancel out करेगा, that is 49, तो 99 into में 49 करना है। I hope ये बात सबको समझ आ गई अभी अच्छे से, राइट। तो डिपेंड करता है, या तो 49 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 4900 हो जाएगा, उसमें से 49 माइनस कर लो, समझ गए, 49 into 99 करने के बजाय 49 into 100 minus 49 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, that is 4851। समझ गए सभी बच्चे बात, या सुनो, तो 4851 आंसर होगा, डन है, दीपाली कार्तिक सनी वगैरह जो भी, ठीक है। तो ये था सर आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, कैट 19 का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, और ये भी आपका कैट 19 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस इसके दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन टाइप करने को बिल्कुल भी नहीं आते। 1003, आप लोग ट्राई करो तब तक, 1003 की पावर 15 प्लस 6 एंड 977 की पावर 15 माइनस 3, 1003 की पावर 1003 इंटू 2 की पावर 15 माइनस 3, या फिर 977 इंटू 2 की पावर 14 प्लस 3, आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलो 2.5 मिनट देता हूं इसके लिए, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज पी इन द बिगनिंग ऑफ एनी ईयर, और फिर नेक्स्ट ईयर वो 3+2p हो जाता है इन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। मतलब फिर आप किसी भी ईयर में अगर चेक करोगे तो वो अपने स्टार्टिंग में मतलब लास्ट ईयर का 3+2p हो जाएगा।
तनिष्क बहुत अच्छा। चलो सर करते हैं डिस्कशन, इसको देता हूँ मैं हटा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। कहता है इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज पी इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ईयर, मतलब किसी भी ईयर की शुरुआत में जो टाउन की पॉपुलेशन है वो पी है, और फिर कहता है इट बिकम 3+2p इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मान लेते हैं अभी जीरो ईयर की मैं बात करूँ, कोई भी बेस ईयर ले लो, जीरो ईयर ले लो, तो अभी जब मैंने स्टार्ट देखा जैसे 2023 के स्टार्ट में कितना था पॉपुलेशन, दैट वाज पी। फिर एक साल बाद अगर मैं देखूं आफ्टर वन ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो सर लास्ट ईयर जो भी पॉपुलेशन है उसका 3+2p टाइम्स, मतलब पी था, अब पी का 3+2p, मतलब पी की जगह कितना आ जाएगा 3+2p आ जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर, नेक्स्ट ईयर जो है इट बिकम 3/2p इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी पी है, अभी जो पी है ये दोबारा से 3+2p बन जाएगा, यानी 3+2 और यहाँ ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 3+2p आ जाएगा, राइट। मतलब p की जगह मैंने क्या किया, अगर आप देखो तो p की जगह मैंने 3+2p लिख दिया। अब ये कितना बन जाएगा सर, ये 3 प्लस में 2 3 जा 6 प्लस में 2 2 जा 4p, बेसिकली 4p प्लस 9 और यहाँ पे कितना था 2p प्लस 3। एक ईयर और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूं और अगर मैं p की जगह लिख दूं 3+2p 4 और p की जगह 3+2p लिखा और प्लस में 9 लिखा, तो अभी कितना हो जाएगा 4 2 8, तो ये हो जाएगा सर 8p और प्लस में कितना आ जाएगा आपका 12 और 9 21 यानी 21 आ जाएगा। तो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि अगर मैं किसी भी nth ईयर पे जाऊं, कि अगर कोई भी एक बेस में उठाता हूं 0 ईयर और वहां से अगर मैं किसी भी n ईयर पे आता हूं, तो क्या मैं कोई डायरेक्ट कनेक्शन निकाल सकता हूं कि पॉपुलेशन कितनी होगी, मतलब कोई फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो अपने को फार्मूला क्रिएट करने पे ध्यान देना है। तो अब जरा अपन टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं p पे फोकस करूं, पहले p है फिर 2p फिर 4p फिर 8p, तो ध्यान देने वाली बात है कि जो पॉपुलेशन है, जो आपकी पॉपुलेशन चल रही है वो कैसे चल रही है, जैसे एक साल बाद कितना लिखा है आफ्टर वन ईयर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, आफ्टर टू ईयर कितना लिखा हुआ है, अगर मैं पी के कोफिशियंट की बात करूं तो फिर लिखा है 4, आफ्टर थ्री ईयर क्या लिखा है 8। कनेक्शन मिल गया होगा आप सभी को कि 2 4 8 मतलब क्या चल रही है, तो आप कहोगे सर ये 2 की पावर चल रही है, लाइक ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है ना, तो सर p के साथ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 2 की पावर n चल रहा है, 2 की कोई एक पर्टिकुलर पावर है जिसे आप p में मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब t1 था तो 2 की पावर 1 यानी 2 मल्टीप्लाई हुआ, t2 है तो t2 का स्क्वायर 4, t3 है तो 2 का क्यूब 8, t4 होगा तो 4 मल्टीप्लाई होगा 16p, ऐसे चलता रहेगा सर। तो अगर आप कोई भी nth ईयर पे जाओगे तो 2 की पावर n p हो जाएगा, राइट। हालांकि मुझे लगता है यहाँ पर आंसर खत्म हो चुका है, आपको बाकी आगे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, करना है तो कर लो। बाकी अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो ये कहता है कि अगर मान लो 2019 में, अगर मैं 2019 को बेस ईयर लेता हूँ, अगर मैं बेस ईयर ले लेता हूँ 2019 को, तो ये कहता है जो पॉपुलेशन है ना वो 1000 है, मतलब जो पी की वैल्यू है वो 1000 है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे T0 लिया था तो T0 का बेस कितना था 5 था, तो आफ्टर n ईयर पॉपुलेशन 2 की पावर np, हालांकि अभी आगे भी इसके कुछ आएगा, पर मैंने कहा अगर सिर्फ मैं इतने पे बात करूं तो p की वैल्यू 1000 है। अब अगर आप बात करोगे 2035 पे बात करोगे, 2034 पे बात करोगे, तो 2019 से अगर आपको 2034 की तरफ जाना है तो कितने साल लगाना है आपको, 15 साल आगे जाना है, राइट। तो जो भी पॉपुलेशन होगी 2034 की, जो भी पॉपुलेशन होगी उसमें जाहिर सी बात है कि क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 15 जो है वो p की वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा था जहां 2 की पावर 15 था, एक अगर आपको रफ आइडिया लगा लो तो रफ आइडिया आप यहां से लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई नहीं, हम लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं।
अभी पहले पूरा ही कैलकुलेट करते हैं। चलो ये तो बात होगी पी की, कि सर पी के कॉफिशियंट के हिसाब से बन रहा है 2 की पावर np। अब जरा नंबर पे फोकस करो कि नंबर का कोई कनेक्शन निकल के आ रहा है क्या। अगर मैं नंबर की बात करूं तो सर पहले आपको एक नंबर दिख रहा है दैट इज 3, फिर आपको एक नंबर दिख रहा है दैट इज 9, फिर आपको एक नंबर दिख रहा है 21। तो आपको इनमें कोई कनेक्शन दिख रहा है, आप कहोगे सर ये 3 के मल्टीपल है, ये जो है ये 3 के मल्टीपल है, राइट। आप कहोगे सर ये जो 3, 9, 21 है, इन्हें आप 3 के मल्टीपल बोल सकते हो, जैसे 3 है, ये 9 है और ये 21 है। सर पहला नंबर 3 1s है, अगला नंबर 3 3s है और अगला नंबर 3 7s है। अब ये 1 3 7 का क्या कनेक्शन है? तो देखो ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ा सा अगर हमें ध्यान रहे तो काम बन जाता है। जैसे 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इज व्हाट 3, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर, चलो 2 की पावर 2 तक ही रखते हैं, कितना बनेगा सर 4 2 6 और 1 7 बनेगा। 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, इसका कितना बनेगा? तो सर ये बन जाएगा 8 4 12 12 2 14 और 1 15 बन जाएगा, राइट है ना। तो यहाँ से थोड़ा आइडिया, तो ज्यादा नहीं पर 2 और 3 को याद रखो बस, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कितना होता है 4 होता है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 कितना होगा 9 3 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 तक अगर मैं चला जाता हूँ तो सर 27 हो जाएगा, 27 और 9 दैट इज 36 36 और 4 यानी कि 40 हो जाएगा ना। तो ये सब थोड़े आइडिया लगते हैं, हालांकि 2 और 3 बनाते हैं वो लोग, उससे अलग कुछ नहीं। अब ये मैं सोचना अब सर ऐसे तो मैं 7 की पावर भी चेक करूंगा, उतना नहीं, बस याद भी करना नहीं कहूंगा, बस एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई आपने ऑब्जर्व कर रखी है चीजें पहले, ठीक है। तो जैसे आपको 1 3 5 7 दिखेगा तो आपको क्लिक होगा कि सर ये ना बेसिकली लिखा हुआ है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 0, राइट, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। और सर जब आपने जब ये बात है जब 1 साल बाद पॉपुलेशन देखनी है तो टी की पावर मतलब 2 की पावर 0 डाल दिया, अगर आपको 2 साल बाद की पॉपुलेशन देखनी है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2 की पावर 0 और प्लस में 2 की पावर 1 है, और अगर आपको 3 साल बाद की पॉपुलेशन देखनी है कि भाई आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन कितनी होगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 की पावर 0 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में, समझ गए बात सभी। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं अगर डायरेक्ट कनेक्शन निकालना चाहूँ कि भाई आफ्टर एन ईयर पॉपुलेशन कितनी होगी तो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सर ये कितना हो जाएगा, दैट इज अगर आप 3 कॉमन निकाल लो अगर आप 3 कॉमन निकाल लो तो सर ये 2 की पावर 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 2 की पावर 1 होगा, प्लस में 2 की पावर 2 हो जाएगा, और ऐसे करते कराते कहां तक जाएगा दैट इज 2 की पावर n-1 तक जाएगा, राइट ना, 2 की पावर n-1 होगा ना क्योंकि 3 है तो 2 पे रुक रहा है ना, 2 की पावर n-1 तक। एक बार बताओ कि चैट के थ्रू क्या यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, ये सुनो हाँ जी यहां तक क्लियर है ना सभी को, बढ़िया। अब देखो आपको जो कैलकुलेशन करनी है ना, अब आपको जो कैलकुलेशन करनी है सर वो आपको कैलकुलेशन करनी है 15 साल बाद की, ठीक है, ये तो आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन जैसे मैंने कहा आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो आपको करनी है 15 साल बाद की, क्योंकि 2019 से अगर आप 234 पे आओगे 2034 पे तो आपको ना जो टाइम है वो कितना ट्रैवल करना है, आपको टाइम यानी कि जो एन है कि भाई कितने ईयर आपको ट्रैवल करना है, तो सर आपको ट्रैवल करना है 15 साल, क्योंकि 2019 से 2034 15 साल ट्रैवल करना है, और पी की वैल्यू कितनी है 1000 है, ठीक है, उसी को यहां पर अप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये दैट इज 2 की पावर 15, क्योंकि n की वैल्यू 15 लेनी है और p की जगह 1000 आएगा तो यहां पर आ गया सर 1000 प्लस यहां पर 3 आएगा, सर ये 2 की पावर 0 2 की पावर 1 कहां तक जाएगा, सर ये जाएगा हमारा कहां तक दैट इज 2 की पावर 15 लेना है तो यहां पर आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है, 15 है तो यहां पर मेरा कितना आ जाएगा दैट इज 14 आ जाएगा, सही है बात यहां तक। चलो उसके बाद सर ये अगर आप देखोगे तो सर यहां पे जीपी का सम लगेगा और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है सर 0 से 14 यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15 है, ठीक है। जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको सम निकालना है दैट इज ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ठीक, तो यहाँ पे ये तो 2 की पावर 15 × 1000 है, ठीक है, प्लस 3 ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो सर ए आर ए कितना 1 है, 2 की पावर 0 मतलब 1, फिर आर की पावर एन मतलब कि 2 की पावर 15 − 1 अपॉन में 2 − 1, तो ओवरऑल कितना बना 2 की पावर 15 × 1000 और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई, ये तो 2 − 1 1 हो गया
तो 3 में 2 की पावर 15 और माइनस में 3। अगर आप 2 की पावर 15 यहां से कॉमन निकाल लोगे, अगर आपने 2 की पावर 15 कॉमन निकाला तो यहां पे 1000 और 3 कितना बचा, 1003 बच गया और माइनस में 3 आ गया, राइट। सर कैन वी अज्यूम पी इक्वल टू 100 एंड सॉल्व अ पैटर्न? हाँ, पी को 1000 लेकर के, वो भी दिक्कत है अभी रिचेक। पहले तो मैंने नॉर्मल बताया, ठीक है, एक उस पे भी आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है पी का पैटर्न ही ऑब्जर्व करना ज्यादा बेटर है, ठीक है। डन है रिचेक वगैरह जो भी बच्चे हैं, सबको समझ आ गया? चलो, तो क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भी था। अगला ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग, ये क्वेश्चन है आपका, ये भी कैट 19 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 14 आपके इस पीवाईक्यूज में, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कैट 19 का, आपके हिसाब से क्या टीटा फॉर्म में क्वेश्चन है, तो मैं बस 2 मिनट का एक टाइमर लगा रहा हूं। जी लो, बहुत अच्छा। अच्छा एक सेकेंड, मैं ये क्यों बोला अंजीला बहुत अच्छे, चैट में तो आंसर ही नहीं करना था, अच्छा पोल में नहीं था, चैट में आंसर लिखना था। ऋचिक आपका आंसर है 6144, और किसी का आंसर है? सिर्फ ऋचिक का आंसर है और कोई नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चन यार आपको बहुत सारे दिखेंगे जिसमें a1+a2+a3+an, मतलब कोई भी एक सीरीज है उनके सम बताएंगे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जैसे बोला a11 है, अगर A11 निकालना है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको A11 निकालना है तो आप a1+a2+a3 से लेकर के A11 तक का सम निकाल लो, राइट है ना बात, A11 तक का सम निकाल लो, क्या आएगा? तो सर क्योंकि A1 से आप A11 तक का सम निकाल रहे हो तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा सर 2, n की जगह 11 लिखोगे तो 2 की पावर 12 हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा, तो सर ये होगा। अब आप एक काम करो सर, A11 निकालना, अब आप 10 टर्म का सम निकाल लो, A1, A2, A3 से लेकर के कहां तक का सम निकाल लो सर, A10 तक का सम निकाल लो, जैसे ये 11 तक का था है ना, तो 11 से पीछे यहाँ पे A10 आ रहा होगा, राइट। तो ये A1 से A11 तक का सम है, आप A1 से A10 का सम निकाल लो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज सर मुझे 2 की जगह n की जगह 10 लिखूंगा तो 2 की पावर 11 माइनस 2 बन जाएगा, राइट। थोड़ा सॉल्व करना है तो 3 में 2 की पावर 12 कर लो, माइनस में 3 2 6, यहाँ पर 3 2 की पावर 11 हो गया और माइनस में 6 हो गया,
फिर आप क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे तो सारी टर्म्स कट जाएंगी, है ना, सारी के सारी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, लाइक ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, राइट। क्या बचेगा, सिर्फ A11 बचेगा, यहाँ पे 6 से 6 भी कैंसिल आउट होगा, 3 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 11। अगर आप इसमें से लेट से 3 into में क्या है, 2 की पावर 12 है, और यहाँ पर 3 into में 2 की पावर 11 है, अगर आप यहाँ पे 3 into 2 की पावर 11 कॉमन निकाल लेते हो, 3 into 2 की पावर 11 अगर आप कॉमन निकालते हो, तो यहाँ पे 2 minus 1 बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। बेसिकली 2 की पावर 11 कितना हो जाता है, तो सर 2 की पावर 11 होता है हमारा 2048 होता है, तो आंसर विल बी 6144। समझ गए बात सारे बच्चे, राइट है। तो यार ये क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे PYQs में देख लिया अभी तक जब से मैं करा रहा हूँ, कि सर A1 से लेकर के यू नो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 से AN तक का सम डिफाइन कर देगा, कि भाई सम क्या होगा, कोई भी एक सीरीज का सम बताता है, फिर एक पर्टिकुलर टर्म पूछता है, ये बोलना ज्यादा बेटर है, कि कोई भी सीरीज का सम बता के एक पर्टिकुलर टर्म आपसे पूछेगा, तो आई गेस आप निकाल सकते हैं। सर ये APGP कुछ भी नहीं है, APGP कुछ भी नहीं है, बस एक रैंडम सी सीरीज है, ये एक रैंडम सी सीरीज है निशेष, ठीक है ना, तभी तो खुद से अपनी तरफ से डिफाइन कर रहा है कि सम क्या होगा। APGP के तो सम डिफाइन होते हैं, जैसे APGP में तो, जैसे AP में तो डिफाइन होता है कि SN is equal to N by 2 bracket A plus 1, ये AP में हो जाता है, GP में हो जाता है SN is equal to AR की पावर N minus 1 upon में R में, है ना, इनके तो डिफाइन होते हैं। अब एक रैंडम सी कोई सीरीज है, कोई भी सीरीज हो सकती है, APGP नहीं है, तो इसलिए वो खुद से बता रहे कि सम क्या होगा, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन देखना है, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है क्वेश्चन पूरा, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन है एन अपॉन में अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN प्लस 1, या फिर N माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN, फिर ऐसी N अपॉन में अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट AN प्लस 1, ठीक, फिर उसके बाद N माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN माइनस 1, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन है आपके, आप बताएं क्या ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। अच्छा वैसे आप कह रहे हैं, हाँ वैसे डिवाइड कर देना, नहीं अगर सम की बात है ना, तो सम में तो माइनस ही करना है निशेष, जैसे एपी में भी 11 टर्म का सम निकाल के 10 टर्म का सम माइनस कर दो, जीपी में भी 11 टर्म का सम निकाल के 10 टर्म के सम को माइनस कर दो, ठीक है, माइनस ही करो, डिवाइड पे मत जाना। अच्छा बहुत
तीन चार बच्चों के आंसर आए, विच इज गुड। देखते हैं सर, यहाँ पे A1, A2 से लेकर के, मतलब ये सारे टर्म्स एपी में है। फिर कहता है वन अपॉन अंडर, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने आपके सामने लिखा वन अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 10, ठीक, फिर प्लस वन अपॉन में अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 13, ऐसा कुछ मैंने लिखा आपके सामने, ठीक। और बस दैट्स इट, दो टर्म में लिखता हूँ। और मैंने कहा भाई इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। आपने कहा सर पहले रैशनलाइज कर दो, लाइक अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 10 है, प्लस है। आपने ऊपर नीचे कहा कि सर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 10 होगा, प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 13 है, तो सर मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 13 और नीचे भी अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 13, सिंपल। फिर आपने कहा कि सर जब आप इसे सॉल्व करोगे, मतलब तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 10, और नीचे जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 10 का स्क्वायर इज 10, है ना। रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 10 का स्क्वायर, 7 माइनस 10 बेसिकली माइनस 3 आएगा, बेसिकली क्या आएगा माइनस 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पर आएगा रूट 10 माइनस में रूट 13 और यहाँ पर भी माइनस 3 आएगा। अब सर जो एलसीएम है, जैसे अगर आप एलसीएम लोगे तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर माइनस ऊपर भेज देते हो तो ये रूट 10 माइनस में रूट 7 हो जाएगा, और यहाँ से भी अगर आप माइनस ऊपर भेज दो, पूरे का एलसीएम 3 ले लो और इस माइनस को ऊपर भेजूंगा तो रूट 13 और माइनस में रूट 10 हो जाएगा, राइट है, और बीच में प्लस। मुद्दा है कि रूट 10 से रूट 10 कट जाएगा। अब पॉइंट क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन जब बच्चा सॉल्व करता है ना, उसे सीधा सीधा पैटर्न पता है करना क्या है। उसे पता है क्या कि सर देखो कुल मिला के होता ये है कि अगर आपने लिखा 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 10 1 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 13, तो सर जो कॉमन टर्म है ना वो तो कैंसिल आउट हो जाती है। बच्चा डायरेक्ट आंसर लिखता है इसका कि सर कॉमन टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। बचेगा क्या सर, बचेगा पहली और आखिरी टर्म। अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि भाई उनके साइन वगैरह क्या होंगे, है ना, ये सब चीजें कैसे पता लगेंगी। तो बच्चा कहता है सर एक काम करो, इसको आप ऐसे लिखो कि जो बड़ा नंबर होता है ना सर उसको पहले, जैसे यहाँ पे 10 बड़ा है 7 छोटा है ना, तो जब आप रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करते हो नॉर्मल इंसान क्या करता है कि बड़ा नंबर पहले लिखता है छोटा नंबर बाद में लिखता है देन रैशनलाइज करता है, ठीक है। तो रूट 7 जाहिर सी बात है नेगेटिव में आ जाएगा, रूट 7 नेगेटिव में आएगा। तो कहेगा सर देखो इसको जब आप रैशनलाइज करोगे तो रूट 7 नेगेटिव में आएगा, और यहाँ जब रैशनलाइज करोगे तो अंडर रूट 13 प्लस में आएगा। तो सर इसका सीधा आंसर होगा अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 7। और सर जो गैप चल रहा है, जैसे मतलब गैप कितने का चल रहा है, ये एपी में होने चाहिए 7 10 10 13, तीन तीन का गैप चल रहा है, तो अपॉन में 3 होगा। बच्चा डायरेक्ट ऐसे आंसर करता है। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं। अब मान लो मैं इसी में बोलता कि 1 अपॉन में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 10 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 10 और प्लस अंडर रूट 13 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 16 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 19 प्लस 1 अपॉन में, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 22। मैं कहता बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चा कुछ नहीं सॉल्व करता, वो सीधा कहता सर देखो 10 10 कट जाएगा जब रैशनलाइज होगा, 13 से 13 भी रैशनलाइज होकर कटेगा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, सर कुल मिला के पहला और आखिरी नंबर बचेगा। और सर जब आप रैशनलाइज करोगे ना तो बड़ा नंबर पहले लिखते हैं छोटा नंबर बाद में, मतलब ये जो आपका है ना 1 अपॉन में अंडर रूट, इसको आप ऐसे अपने मन में ऐसे रीड करो सर, बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, ठीक है। तो सर जब आप खुद ही देखो, जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करने से क्या होगा कि जो रूट 7 है वो नेगेटिव में आ जाएगा, रूट 7 नेगेटिव में आएगा और जो आपका रूट 22 है प्लस में आएगा। तो सर इसका आंसर होगा अंडर रूट 22, क्योंकि यहाँ से सर जो अंडर रूट 7 है वो माइनस में आएगा और यहाँ पर जो अंडर रूट 22 है वो प्लस में आएगा। तो सर रूट 22 माइनस रूट 7 अपॉन में, गैप तीन तीन का चल रहा है तो डिवाइडेड बाय 3। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को, यस और नो? तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों ने आपने करे पहले कभी ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मे बी जहां से भी आप पढ़ते हैं उन्होंने कराए होंगे कि भाई 1 अपॉन में ऐसे करके एक सीरीज होती है तो सारी कॉमन टर्म कट जाती है, बस पहला और आखिरी नंबर बचता है, उसका थोड़ा साइन देख लिया करो क्या होगा एंड देन माइनस लगा के, मतलब जो भी रैशनलाइज करके आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। निशेष वगैरह जो भी है एक बार चैट के थ्रू बताओ, समझ आई ये बात, ठीक। अब सुनो, अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब एग्जामिनर को लगा उसी का थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, लेकिन बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, सिर्फ नजर मार के आप आंसर बता सकते हो। आपको बताया कि सर देखो यहाँ ना A1 A2 वगैरह एपी में, तो सर सारे कॉमन नंबर तो कट जाएंगे, जैसे कि सर A2 कट जाएगा, A3 कट जाएगा, सब कट जाएगा। क्या बचता है सर, सर बचता है हमेशा पहला नंबर और आखिरी नंबर, यानी सर जो बचेगा ना वो बचेगा अंडर रूट A1 और बचेगा अंडर रूट A n+1। ये दो नंबर बचेंगे सर, पहला तो बच्चे ने बोला कि सर ये दो नंबर बचेंगे,
तो अगर ये दो बचेंगे तो सर इसको काट दो, इसको काट दो, ये दोनों तो आप हटाई दो कैलकुलेशन से। अब आपका आंसर या तो ये हो सकता है या फिर आपका आंसर ये हो सकता है। अब बच्चा कहेगा देखो सर जब आप रैशनलाइज करोगे, अब जैसे यहां तो सर आपको पता ही नहीं A1 A2 में कौन बड़ा कौन छोटा, है ना, बड़ा छोटा आपको पता ही नहीं है, कोई नहीं सर। एक बात बताओ सर, जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करते वक्त जो A1 है वो प्लस में आएगा और जो ये अंडर रूट An+1 है जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये माइनस में आएगा, है ना। तो सर जब आप इसे न्यूमरेटर में लिख रहे होगे तो A1 होगा प्लस में और ये होगा आपका माइनस में, राइट। लेकिन उस दौरान ये न्यूमरेटर में होगा, ये कहां होगा, न्यूमरेटर में होगा। लेकिन आपके जो ऑप्शंस है, आपके ऑप्शंस में ये जो है ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। अब ये डिनोमिनेटर में कैसा आएगा, जब आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज करोगे, मतलब आप अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट An+1 और नीचे अंडर रूट A1 और प्लस में अंडर रूट An+, मतलब रैशनलाइज करने से साइन बदल जाता है ना भाई। हमें पता है कि सर इसका जो आंसर आएगा उसमें A1 होगा और An+1 होगा, और सर A1 प्लस का होगा और वो माइनस का होगा, ये मैंने बोला। पहली बात तो A1 और An+1 होगा तो इसलिए मैंने ये दोनों ऑप्शन तो काट दिए, ये दो ऑप्शन बचे क्योंकि इधर A1 और An+1, A1 और An+1 आ रहा है। लेकिन दिक्कत आ रही है साइन की कि भाई साइन क्या होगा, तो उसी पे मैंने बोला कि अगर मैं इसको, क्योंकि मेरा जो डायरेक्ट आंसर है उसमें हम जो जज करते हैं वो न्यूमरेटर में जज करते हैं कि भाई रैशनलाइज करने के बाद जो बचा वो न्यूमरेटर में आएगा, तो रैशनलाइज करने के बाद A1 तो प्लस का है और An+1 माइनस का है, लेकिन वो न्यूमरेटर में, बट ऑप्शंस में डिनोमिनेटर है। तो जब मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो साइन बदल जाएगा, मतलब इनके बीच में माइनस नहीं बल्कि कौन सा साइन होगा, प्लस का होगा, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है, समझ गए। तो इसलिए मैं कह रहा था इसको सिर्फ आप नजर मार के भी बता सकते हो, डन है। निशेष ऋचिक वगैरह क्या बोला मैंने, तो ये जो क्वेश्चन था इसलिए मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ नजर मार के भी बता सकते हो कि भाई A1 An+1 बचेगा, एक बचेगा A1, एक बचेगा An+1, और क्योंकि नॉर्मली प्लस का साइन चल रहा है, ठीक है, मतलब जब रैशनलाइज करूंगा A1 प्लस का होगा वो माइनस का होगा, लेकिन तब जब ये न्यूमरेटर में है, लेकिन तब जब ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करने डेटा फॉर्म में, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16, नहीं एक क्वेश्चन और भी, तो ओके क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 16 है और ये है कैट 18 का क्वेश्चन, ठीक है। पोल में क्रिएट, पोल तो नहीं, डेटा फॉर्म में, तो मैं बस एक टाइमर के लिए चला रहा हूँ चीजें। नहीं आज नहीं है सुचंदा, कल है क्लास। आज जैसे मैंने कहा था कि आज मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कहीं जाने का प्लान शायद है, और तो आज वाली क्लास मैंने 2 अगस्त को शेड्यूल कर दी है, ठीक है। ये पॉइंट है ना, आज अगर मैं सेशन लेता तो सिर्फ आधे घंटे 40 मिनट का, तो मुझे लगा क्या ही फायदा है आधे घंटे 40 मिनट से, ऑफ ही करो, ठीक है। अच्छा अब शो कर रहे हैं, वैसे मैंने लास्ट क्लास में फॉर्म तो कर दिया था ना। आया किसी बच्चे का आंसर, आया इस क्वेश्चन का, चलो वेट करते हैं। देखो यार ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं तो भाई इसको अच्छे से कर लेना,
कि सम ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, कोई भी एक रैंडम एपी उसका सम डिफाइन कर रखा है, जैसे सम बता दिया कि भाई ये सम होगा, और फिर आपसे कोई टर्म पूछ रहा है या कोई टर्म बता रहा है, ऐसे बतेरे क्वेश्चन अभी तक दिख चुके हैं हमें। अभी तो 16th क्वेश्चन चल रहा है और ऐसा क्वेश्चन कम से कम तीसरी या चौथी बार आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको अच्छे से करके जाना है यार, ये कुछ ज्यादा ही फेवरेट हो रहा है एग्जामिनर का। निशेष आपका कहना 23, ओके। करूं एक मिनट का वेट करूं क्या, रुकूं एक मिनट या करा दूं सॉल्व, कोई बच्चा कहीं बीच में हो, अरे सर बस 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 एक मिनट सर, पता लगा मैं करा गया, ठीक है करा दूं ना मैं, चलो देखते हैं। सुनना बात को ध्यान से, ठीक है सुनो, देखो सर T1, T2... be real number such that T1 plus T2 plus... is equal to 2n square plus 9n plus 13. For every positive integer n greater than equal to 2, TK की value है 103, बताओ K की value क्या होगी, ठीक है भाई, जो भी बच्चे हैं सुचंदा वगैरह जो भी, ठीक सुन, देखो पहली बात यार ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, मुझे लगता है अब बिल्कुल आपको टिप्स पे होने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर n की जगह k लिख देता हूं, सपोज यहां पे मैं n की जगह क्या लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं n की जगह यहां पर k लिख दूं, तो उससे मुझे पता क्या लगेगा, बताएगा कोई बच्चा, ये जो यहां पर लिखा हुआ है आप लोग चैट में लिख के बताना कि इसको क्या बोलेंगे, अगर मान लो ये जो है दैट इज 2n square plus 9n plus 13, अगर मैं यहां पर n की जगह सपोज k लिख देता हूं तो उससे मुझे क्या पता लगेगा, n की जगह k लिख दूं तो पता क्या लगेगा उससे, सम ऑफ k टर्म्स, राइट, सम ऑफ k टर्म्स, वेरी गुड रिचेक, कि सर अगर आप इसमें n की जगह k लिख दोगे तो उससे आपको पता लगेगा T1 plus T2 plus T3 plus... है ना, तो इससे आपको सर ये पता लग जाएगा कि T1 plus T2 plus T3 से लेकर के TK तक का सम कितना है, राइट है, जो कि कितना होगा 2K square plus 9N plus 9K plus 13 होगा, समझ गए सारे बच्चे बात, ये सुनो, ठीक है ना, 9K plus 13 होगा। और अगर मैं इसमें n की जगह k-1 लिख दूं, k-1, तो आपको सर पता लगेगा T1 plus T2 plus T3 से लेकर के आपको TK-1 यानी कि इससे एक पीछे टर्म, जैसे TK है तो इसके एक पीछे टर्म तक का सम पता लग जाएगा, जो कि होगा 2, n की जगह k-1 लिखना, तो k-1 का होल स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट k-1, और यहां पर आ जाएगा 13 आ जाएगा, समझ गए। फिर सर जब आप इनको माइनस कर दोगे, जब आप इनको कर दोगे माइनस, तो सर ये सारी टर्म्स तो कट जानी है ना, तो आपको टी के पता लग जाएगा कितना है, जो कि 2K square minus 2 bracket K minus 1 का whole square plus 9K minus 9K minus 1, और 13 से 13 तो कट ही जाएगा, राइट है। तो यहां पर और सर इसकी जो वैल्यू है ना, ये जो इसकी वैल्यू है दैट इज कितना 13, सर k माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 2k, तो सर यहां जो लिखा है 2k स्क्वायर, अब ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2k स्क्वायर
प्लस 2 1 2 माइनस में 2 2 4 के प्लस में 9 के माइनस में 9 के माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 13। कैंसिल आउट करोगे 2k² 2k² 9k 9k कट जाएगा, राइट right? और ये कितना हो जाएगा आपका, कुछ तो गलत लिखा है मुझे ऐसा लग रहा है, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये प्लस का 4k होगा, ये प्लस को, हाँ ये तो 1003 होगा अमन, 103 होगा राइट, एक्चुअली माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस 2 और यहां पर भी माइनस 2 आएगा, यहां पर भी माइनस 2 आएगा, ठीक है, और प्लस में 4k होगा, बाकी सब ठीक है, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा प्लस में 4k और प्लस 7 इक्वल टू 103, तो 4k की वैल्यू आ जाएगी 96 आ जाएगी, k की वैल्यू 24 आएगी, राइट है जी, बात डन है। अब देखो इतना सारा टाइम पास करने के बजाय ना, अब जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो तो ये सब एग्जाम में मत लिखना, आप सिंपल लिखना कि सर अगर मुझे tk पता लगाना है, अगर मुझे tk पता लगाना है तो मुझे क्या करना होगा सर, मुझे बेसिकली t1 प्लस t2 से कहां तक tk का सम निकालना होगा और उसमें से माइनस, और ये मन में सोच लेना ऑब्वियसली, t1 t2 से ले करके सर मुझे tk माइनस 1 तक का सम, t1 से tk तक के सम में से t1 से tk माइनस 1 तक के सम को सब्ट्रैक्ट कर देगा तो आपको tk पता लगेगा। अगर आपको tk पता लगाना है तो n की जगह k पुट कर रहा हूं, n की जगह k डालना होगा, तो दैट विल बी 2k² प्लस में 9k और प्लस में 13 माइनस ब्रैकेट। अगर आपको tk माइनस 1 निकालना है तो n की जगह k माइनस 1 डालो, 2 ब्रैकेट k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में प्लस में 9 ब्रैकेट k माइनस 1 और प्लस में कितना है आपका, दैट इज 13 है, राइट है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2k² हो गया, 9k हो गया और प्लस में 13 हो गया, माइनस ये होगा जब आप इसमें आइडेंटिटी लगाओ k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो k² प्लस 1k² 1 माइनस में 2ab मतलब 2k, तो ये सर हो जाएगा बेसिकली 2k² 2 1 2 हो जाएगा और माइनस में 2 2 4k हो जाएगा, प्लस में सर ये 9k है, माइनस का 9 है और सर ये प्लस में 13 है, राइट। अब उसके बाद सर ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये सबके साइन बदल देगा, ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो सबके साइन बदलेगा और 2k² से 2k² कट जाएगा, है ना, जब ये साइन बदलेगा तो 2k² से 2k² कटेगा, 9k से 9k कटेगा क्योंकि माइनस अंदर जाके साइन बदल देगा, सबके सबके साइन चेंज होंगे। उसके बाद सर इसी तरह 13 से आपका 13 भी कट जाएगा, 4k माइनस माइनस प्लस का 4k हो जाएगा और सर ये माइनस का 7 है जो बाहर आकर के प्लस का 7 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 103 है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। समझ गए सभी बच्चे बात, ये सुनो, एक बार बताना चैट के थ्रू, ओके आपने क्या गिवन स्टेटमेंट एंड कुछ सिग्निफिकेंस है, मतलब हो सकता था बट इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है, मतलब इसका सिग्निफिकेंस बस इतना है कि t1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे आप यहाँ n की जगह 1 लिख दो, ठीक है, आप इसमें n की जगह 1 लिखो और बोलो कि सर देखो 2 1 2 और 9 2 11 13, ठीक है, 13 9 22 2 24, तो आप ये नहीं कह सकते कि t1 की वैल्यू 24 होगी, हम लोग ये नहीं कह सकते क्योंकि ये जो अप्लाई हो रहा है ये n इक्वल टू 2 या उससे ग्रेटर पे हो रहा है, बट एज सच कुछ नीड पड़ी नहीं इसकी, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाए जी, क्लियर है बात, तो यार ये देख लेना भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार दिख चुके हैं अभी तक मेरे को, ठीक है, जिसमें t1 से लेकर के tn तक का समय, एक तो यही हो गया 16 क्वेश्चन में से एक ये हो गया, ठीक है, एक ये दूसरा क्वेश्चन दो हो गए, दो के बाद आई थिंक नहीं ये तो इतना नहीं है कि सम ऑफ टर्म्स दे करके कोई एक पर्टिकुलर टर्म पूछना, ये भी देखो a1 माइनस a2 इसी तरीके से जा रहा था, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये तो नहीं, 3 के बाद ये रहा चौथा क्वेश्चन, फिर वही है कि सम मतलब प्लस माइनस जैसा भी उनको डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन हो गए, 4 के बाद नहीं, 4 क्वेश्चन तो दिख ही गए अभी तक में मेरे को, ठीक है, 16 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन इसी तरीके के दिख गए, ठीक है, आप एक बार देख लेना, स्टिल मैं किन किन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, एक बार दोबारा से इन क्वेश्चन को कर लेना अच्छे से, ठीक है, एक तो सर कहां गया, एक जैसे मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन,
एक मिस हो गया कहीं पर मेरे से, एक ये वाला क्वेश्चन, तीन और एक और भी था। ये रहा, ये चार क्वेश्चन यार एक बार ढंग से ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है ना, ये काफी फ्रीक्वेंट चल रही है। ओके, इसको ट्राई की, ये भी तो वही नहीं आ गया, नहीं ये थोड़ा हटके लग रहा है। चलो ठीक है, इसको ट्राई करो, टीटा फॉर्म में क्या क्वेश्चन, नहीं ऑप्शन है इसके। ये आपका है सर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन है आपका ये कैट 18 का। देखते हैं एक बार, समझते बात को। A1 A2 से A52 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और A1 छोटा नंबर है, A2 से बड़ा है, A52 सबसे बड़ा है, ठीक है ना। ओके, सीक्वेंस ध्यान रखना, A52 सबसे बड़ा नंबर है, उससे छोटा A51, ऐसे ऐसे करके चल रहा है। फिर कहता है कि सपोज देयर अरिथमेटिक मीन, मतलब A1 से A52 तक का जो अरिथमेटिक मीन है वो एक यूनिट कम है अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 A3 डॉट 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 A52। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन तो ठीक है,
क्या बोला, A1 A2 से A52 पॉजिटिव इंटीजर्स है सच दैट, और सपोज देयर एरिथमेटिक मीन इज 1 लेस देन एरिथमेटिक मीन ऑफ तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, ऐसे समझते हैं कि ये जो सीक्वेंस है लाइक A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस A52, ठीक, A1, A2, A3, मतलब ये जो है ना इसकी इसकी जो एवरेज है, जिसे कि आप मीन भी बोल सकते हो, मान लो वो x है, तो इसकी जो एवरेज है मतलब A2 से A52 तक की जो एवरेज है, जैसे A1 से A52 तक की एवरेज x है, और क्वेश्चन कह रहा है कि A1 से A52 तक की जो एवरेज है वो A2 से A52 तक की एवरेज से एक यूनिट कम है, यानी अगर इसकी एवरेज x है, तो अगर मैं इसको उल्टा रीड करूं, तो इसकी एवरेज x plus 1 में बोल सकता हूं, राइट? सही बात है ना सबके हिसाब से? तो सर यहां पर A1 से लेकर के A52 तक जो टर्म्स हैं, उनकी एवरेज आपने x ले ली, तो इनका सम कितना हो जाएगा? सर क्योंकि 52 टर्म्स हैं, तो 52x हो जाएगा, सही बात है? फिर सर इसी तरीके से अगर आप A2 plus A3 से लेकर के A52 तक देखो, तो इनकी एवरेज आपने लिया x plus 1, तो इनका सम कितना होगा? सर ये टोटल 51 टर्म्स है, तो 51 ब्रैकेट x प्लस 1, जो कि कितना हो जाएगा सर, 51x और प्लस 51, नहीं अश्विन मैंने उल्टा रीड किया, उल्टा रीड किया, मैंने क्या करा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो A1 से A52 तक की एवरेज है ना, वो एक कम है देन A2 से A52, पर मैंने इसको उल्टा कर लिया, मैंने A1 से A52 को x लिया, तो नीचे वाला प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ऊपर वाले की एवरेज नीचे वाले से माइनस 1 है, बट मैंने उल्टा रीड किया, ऊपर वाले को एक्स लिया है, तो इस वजह से है ना, बात क्लियर सभी बच्चों को? ये सुनो, ठीक है, ओके, आगे समझते हैं, फिर आप कहोगे सर इनको आप एलिमिनेट वगैरह कर दो, ठीक है ना, एलिमिनेट कर दो, तो होगा क्या सर, ये A2 ये सब तो कट जाएंगे, तो सर A1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52 में से 51 गया, यानी कि एक्स माइनस 51 आएगी, सही है जी बात सभी बच्चों के हिसाब से? ये सुनो, बात सही है, कोई इशू नहीं किसी को भी, ठीक है, तो जो A1 की वैल्यू है वो बेसिकली क्या है आपकी, दैट इज x माइनस 51 है, ठीक है ना, यहां तक आ गए हम लोग। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर जो आपका A52 है, अब देखो मुझे ना A1 को मैक्सिमम करना है, मुझे क्या करना है, मुझे A1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो A1 तो तभी मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि देखो A1 जो है वो A2 से छोटा है, और आई वुड से A52 सबसे बड़ा है, तो मैं सीधा कह सकता हूं भाई A52 A51 जितने बड़े नंबर होंगे A1 भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि A1 इन सबसे छोटा है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं रिमेनिंग वैल्यूज मैक्सिमाइज, अगर उनको मैक्सिमाइज कर दिया जाए, तो इट इंप्लाइज कि A1 जो है विल बी मैक्सिमम, तो A1 ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा, यस नो? भाई आप A2 से A52 तक के नंबर को जितना मैक्सिमम कर दोगे तो A1 ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाएगा, मानते हैं ना सभी बच्चे, यस नो? क्योंकि बाकी नंबर A1 से बड़े हैं, तो अगर वो जितने बड़े होंगे तो A1 भी उतना ही बड़ा होगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई जो आपका A52 है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो A52 है, A52 जो है वो 100 है, A51 A52 से छोटा है, अब छोटा तो सर 99 98 97 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे सर मैक्सिमम करना है बाकी नंबरों को, तो अगर ये 100 है तो ये मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 99 हो सकता है, जो आपका A50 है वो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 98 हो सकता है, तो इस तरीके से A2 कितना हो जाएगा, बताएगा कोई बच्चा? भाई अगर A52 100 है, फिर A51 99, A50 98, मतलब अभी आप देखो 52 में एक कम किया, यहाँ पर दो कम किया, तो 52 से अगर आप A2 पर आओगे तो कितना कम, जैसे आप 52 से 51 पे आ रहे हो, एक कम कर रहे हो, तो एक माइनस हुआ 99, 52 से 50 पे आ रहे हो, दो कम किया, तो 100 से 98 दो कम हो गया, तो 52 से A2 कितना कम करना पड़ेगा,
कितना कम करना पड़ेगा, 50 कम करना पड़ेगा सबके हिसाब से। हाँ जी 50 राइट, क्योंकि सर A2 से अगर आप A52 से A2 पर आ रहे हो, जैसे देखो ना 52 माइनस 151, 52 में से 1 माइनस करोगे 51 आएगा तो 1 कम कर दो, 52 में से 2 माइनस करोगे A50 आएगा 2 कम कर दो, 52 में से 50 माइनस करोगे तो A2 आएगा, तो यहाँ पे 50 कम कर दो यानी कि 50 है। अब इन सब का जो सम है ना, अब इन सब का जो सम है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो A2 से लेकर के A52 तक का सम है वो था 51x+1, तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 51x+1, राइट है जी बात। अब इनका सम क्या होगा अगर आप इसका सम निकालो, तो सर इसका सम होगा 100 से लेकर के 50 तक जाना है, एपी बनी हुई है सर, टोटल कितनी टर्म है, तो सर टोटल 51 टर्म्स है, टोटल ये 51 टर्म है, तो n बाय 2 यानी 51 बाय 2 ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है, a कितना आपका 100 है और l कितना आपका 50 है, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 51 ब्रैकेट में x+1। सर 51 से 51 कट जाएगा, ये 150, 150 को 2 से काटोगे 75, 75 में से बन गया 74, तो x की वैल्यू सर 74 आ गई। अब अगर x आपका 74 है तो a1 कितना हो जाएगा सर, 74 माइनस 51 मतलब कि 23 होगा, राइट। तो आप जितना मैक्सिमम डेटा उठाओगे आपका a1 ऑटोमेटिकली मैक्सिमम आ जाएगा, राइट है, आई होप क्लियर है क्वेश्चन सभी को। चलो नेक्स्ट पे आते हैं सर फिर, ठीक है ना, डन। अगला देखना अगेन पैटर्न ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन है, कि बस आपको पैटर्न पकड़ना है, अगर पैटर्न आपके पकड़ में आ गया इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है, तो फिर बात बन जाएगी। ऑप्शंस है 80707, 80751 एंड 80730 या फिर 80773। आप बताओ भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। कोई देखो कोई नंबर जिससे मतलब कुछ कनेक्शन इनका, जैसे आप कहोगे सर चार चार का गैप हो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा पैटर्न बनाओ कि n इक्वल टू 1 लूं तो पहला रिजल्ट आ जाए, n इक्वल टू 2 लूं तो अगला रिजल्ट आ जाए, n की वैल्यू अगर मैं 3 डालूं तो अगला रिजल्ट आ जाए, ऐसे करके। देखो छोटा सा हिंट होता है इसमें, समेशन ऑफ एन प्लस फोर, तनिष्क एक छोटा सा हिंट है, पहली बार गैप चार चार का चल रहा है, और मैंने कुछ ऐसा उठाऊं
कि जब वन डालूं तो ये रिजल्ट आ जाए, टू डालूं तो अगला रिजल्ट आए, थ्री पे अगला रिजल्ट आए। तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर आप फोर का मल्टीपल उठा लो, ठीक है, फोर का मल्टीपल उठाओ, फोर वन ज़ा फोर, तो फोर में तीन ऐड करोगे ये वाला नंबर आएगा, और फोर में सेवन ऐड करोगे अगला नंबर आएगा। फिर सर अगर आप फोर टू ज़ा एट उठा लो, तो एट में तीन ऐड करके ये वाला नंबर आ रहा है, एट में सेवन ऐड करके ये वाला नंबर आ रहा है। सर फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व अगर आप उठाओ, तो ट्वेल्व में थ्री ऐड करने पर आ रहा है और ट्वेल्व में सेवन ऐड करने पर आ रहा है। बेसिकली गैप चार का है ना, तो आप चार के टेबल पे फोकस करना, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाओगे। अगर पांच का टेबल मतलब पांच पे होता, पांच पांच का गैप होता, तो मैं पांच के टेबल पे फोकस करता। तीन तीन का गैप होता, मैं तीन के टेबल पे फोकस करता, और कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब अभी आप पहले होंगे कि सर ये मुझे देखो, जैसे मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन का सरप्राइज एलिमेंट है, अब खत्म हो चुका है। अगर कोई भी सीरीज ऐसी आपको दिख जाती है जिनमें तीन तीन का गैप है, तो आप तीन तीन का टेबल लिखना और देखना दोनों का कनेक्शन तीन से क्या बन रहा है, और सेम ही कनेक्शन बनेगा, ठीक है, कनेक्शन सेम बनेगा। तो आप इसमें कह सकते हो, आपने इसमें टर्म को डिफाइन कर सकते हो कि सर जो इसमें टर्म चल रही है ना, जो भी ये टर्म चल रही है, उनको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो पहला नंबर है वो फोर के मल्टीपल से तीन ज्यादा है, और अगला वाला जो नंबर है मल्टीप्लाई में वो बेसिकली फोर के मल्टीपल से सात ज्यादा है ना। फोर के मल्टी फोर वन जा फोर प्लस थ्री यानी सेवन, फोर वन जा फोर सेवन इलेवन, ऐसे करके। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, सिक्सटीन एन स्क्वायर हो जाएगा, सात चौक अट्ठाईस और बारह फोर्टी एन हो गया, और ये कितना हो जाएगा, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सही है बात। अब उसके बाद ये तो हो गया टी एन, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। अब आपको सम निकालना है, अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, जैसे लास्ट में कितना आएगा कोई बच्चा बताएगा? जैसे यहाँ पे मैंने फोर वन जा लिया, फोर टू जा, फोर थ्री जा, यहाँ पर क्या लूंगा मैं, नाइनटी टू लोगे ना, नाइनटी टू, और जो नाइनटी टू होता है बेसिकली फोर इंटू ट्वेंटी थ्री होता है। तो इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ टर्म्स चल रही है वो ट्वेंटी थ्री टर्म्स चल रही है, टोटल ट्वेंटी थ्री टर्म्स चल रही है। अब आपको ना इस पूरे का सम निकालना है, आपको इस पूरे का सम निकालना है, लेकिन उसमें एन की वैल्यू एक से चौबीस तक रखनी है, वन से ट्वेंटी फोर तक रखनी है, राइट ना, वन से ट्वेंटी फोर, ठीक। तो पहले तो आप इस पे सम लगाओगे, तो सिक्सटीन को तो बाहर निकाल लो, पहले आप सम लगाओगे एन स्क्वायर पे एक से लेकर के चौबीस तक, प्लस चालीस बाहर निकाल लो, फिर आप सम लगाओगे किस पे, दैट इज एन पे लगाओगे आप सम, राइट, एक से लेकर के चौबीस तक। और फिर उसके बाद जो आपका ये 21 लिखा हुआ है ये भी जाएगा, ठीक है, 24 क्यों लिख रहा हूं मैं, 23 होगा ना, 23 होगा, यही पूछना चाह रहे नीचे का, 23 होगा। फिर ऐसे ये जो 21 है, ये 21 को कितनी बार लिखना है, जैसे जैसे आपने n की जगह 1 लिखा, 16 1 का स्क्वायर प्लस 14 14 इनटू 1 प्लस 21, फिर 2 लिखोगे 16 इनटू 2 का स्क्वायर प्लस 14 इनटू 2 प्लस 21, तो ऐसे 21 कितनी बार आएगा, 23 बार आएगा। तो 23 बार तो आपका 21 आ रहा है, इस पर एज इट इज लिख दो। अब जो सम का फॉर्मूला होता है, तो सर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है ना, जब आप स्क्वायर्स को ऐड करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n n प्लस 1 2n plus 1 by 6 होता है, पता है ना सभी को ये फॉर्मूला। और एक होता है 1 2 3 को n तक ऐड करना, तो फॉर्मूला होता है आपका n n plus 1 by 2 होता है। वही मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 16, अब यहाँ पे क्या आएगा, n की जगह 23 लेना है, तो n यानी कि 23, n plus 1 यानी 23 plus 1, 2n plus 1 यानी 2 into 23 plus 1 divided by 6, फिर आएगा 40, फिर आएगा n n plus 1 यानी कि 23 plus 1 यानी कि 24 divided by 2, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, 23 into 21 चल रहा है प्लस में, ठीक है जी बात, क्या चल रहा है प्लस में, 23 into 21 चल रहा है, right? सॉल्व करते हैं सर, थोड़ा बहुत जो भी कटता है, तो 2 के टर्म में जाएगा 3 पे, 2 के टर्म में जाएगा 8 पे, और 23 और 1 ये 24 हो जाएगा, 3 इस 24 को काट देगा 8 पे, राइट, और कुछ खास सर, 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा 20 पे। अब एक काम करो, सब में से ना पहले 23 कॉमन निकाल लो, 23 आप सब में से कॉमन निकालो, तो 23 कॉमन निकालने पे क्या बचेगा सर, ये बचेगा 8 8 64 बचेगा, ये वाला है ना 20, देखो यहाँ पे 8 23 8 और ये नंबर है, तो मैंने क्या करा 8 कॉमन निकाल 23 कॉमन निकाला, तो 8 8 64 और ये कितना हो गया आपका 47 हो गया, तो 64 इंटू 47 प्लस, यहाँ से मैंने 23 कॉमन निकाला तो 20 और 24 यानी कि 480 बचा, प्लस 23 कॉमन निकाला 21 बचा, राइट है, तो ये कितना हो गया 23, यहाँ पर कितना आएगा आपका
इनको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी है 64, 47, व्हाटएवर, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूं आंसर, डायरेक्ट आंसर लिख देना, इन सबको आप कर लेना। हाँ, 64 × 47 देख लेना कितना आएगा, उसमें 480, 21 ऐड करके 23 से मल्टीप्लाई करना, 80707। आई गेस यूनिट प्लेस सबके अलग होंगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यूनिट प्लेस सबके अलग है ना? हाँ अलग है, 7103 यूनिट प्लेस है, क्योंकि वो अक्सर फिर हमारी हेल्प करेगा जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ रही है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस कितना बनेगा देखो, 7 × 4 = 28 का 8 बनेगा, राइट। और ये कितना था, 480 था, कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, 16, 23 है ना, n n plus 1, 2n plus 1 by 6, 2 ने उसको 8 पे कट किया, 2 ने यहाँ इसको 3 पे कट किया है, ये 480 है ना, नहीं 7 × 8 = 56, सही। तो एक सेकंड, ये 7 × 4 = 28 हुआ ना, 7 × 4 = 28 का 8 और एक 9, 9 × 3 से, हाँ बिल्कुल लास्ट में 7 आएगा, सही है, क्योंकि ये हो गया ना 7 × 4 = 28 मतलब 8, ऐड करूंगा 9, तो लास्ट में 9 होगा और बाहर 3 × 27, एंड में 7 आएगा, तो यूनिट प्लेस से हेल्प हो रही है, ठीक है ना। चलो आते हैं सर आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, कैट 18 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, एक बार ट्राई करूँ, टीटा फॉर्म में क्वेश्चन, तो मैं 2 मिनट का ऐसे पूर्ण कर देता हूँ। देखें बार, ओके, तो यहाँ पे the arithmetic mean of x y z is 80 and x y z u v 75. तो अगर x y z का arithmetic mean मतलब average, तो मैं कह सकता हूँ कि x plus y plus z अगर इनका arithmetic mean 80 है, तो इनका sum कितना होगा, 80 × 3 यानी कि 240, और यहाँ पर x plus y plus z plus u plus v 75 है, तो 75 × 5 मतलब 375, राइट है। फिर आप यहाँ पे माइनस कर लेना बेसिकली, ठीक है, x plus y plus z की जगह यहाँ पर आप 240 लिखना, 240 वहां पे जाएगा, तो बेसिकली u plus v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 आ जाएगी, राइट। अब क्या कहते हैं, आगे कुछ बातें बोल रखे, u प्लस वी तो मेरे पास खैर आ गया, आगे बात करते हैं और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, u की वैल्यू क्या है,
एक्स प्लस वाई बाय टू और मुझे बताना एक्स जेड से ग्रेटर है तो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक्स प्लस वाई बाय टू और प्लस में इसकी वैल्यू वाई प्लस जेड बाय टू। ठीक है, वाई प्लस जेड बाय टू एंड दैट इज इक्वल टू 135 है। तो अगर मैं यहां से देखूं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें पता है ना 240 है। तो एक काम करते हैं, एक y को साइड कर देता हूँ, बाकी को ऐड कर देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड बाई टू प्लस में y बाई टू, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, राइट? अगर देखो सबके साथ टू, x बाई टू, y बाई टू, y बाई टू, z बाई टू। मैंने y को अलग रखा, x y z को एक साथ रखा, क्यों? क्योंकि x y z की वैल्यू 240 मुझे पता है। तो अगर यहाँ मैं 240 लिखती हूँ तो 240 अपॉन दो वाई अपॉन में टू इज इक्वल टू 135। दो इसको कैंसिल आउट करेगा 120 पे, ये उधर जाएगा तो 15 हो गया, y की वैल्यू 30 आ गई, y की वैल्यू आ गई 30। अगर y की वैल्यू 30 है तो x प्लस वाई कितना है आपका, दैट इज 210 है। ठीक है, एक बार यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को बात सारी? हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या कहता है, हाँ x प्लस जेड, सॉरी, x प्लस जेड, राइट? ठीक है, चलो यहां तक क्लियर। अब ये कहता है कि जो x है ना वो z से के इक्वल है या उससे बड़ा है ना, x z का एक रिलेशन दे रखा है कि भाई जो x की वैल्यू है z के इक्वल या फिर उससे बड़ी है, लेकिन आपको मिनिमम वैल्यू x की बतानी। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, x z से या तो बड़ा है, x की जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि या तो वो z के बराबर है नहीं तो उससे बड़ा है। तो अगर आपको x को मिनिमम करना है तो x मिनिमम कब होगा, जब आप x और z को बराबर कर दोगे। भाई x को z के बराबर रखोगे तो मिनिमम है, और फिर बड़ा करने को तो आप कुछ भी बड़ा कर दो उठा के, समझ गए ना बात? जब x z इक्वल होंगे तो x आपका मिनिमम होगा, राइट? बस दैट्स इट, निकाल देना x की वैल्यू क्या होगी। तो जब ये इक्वल होगा तो यानी कि 2x इज इक्वल टू 210 और x की वैल्यू 100। भाई x पे एक ही तो कंडीशन लगाई ना इसने कि जो x है वो z के इक्वल या उससे बड़ा है, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब वो z के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू होगी 105। ठीक है, तो ये थे यार कुछ क्वेश्चन जो आज के सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है थोड़ा सा सही रहा आपका सीक्वेंस सीरीज के फंडे क्लियर हुए होंगे। ठीक है।